बढ़ते राष्ट्रीय स्तर को देख दिल्ली पंजाब में सत्ता हासिल करने के बाद अब महाराष्ट्र में भी आपका बोलबाला बड़े स्तर पर हुआ है, जहां कई लोग इस पार्टी से जुड़ते जा रहे हैं। वहीं 24 मई को शाम को तुमसर में भंडारा जिला प्रभारी डॉक्टर केशव बांते की अध्यक्षता में जिला समिति के प्रमुख मौजूदगी में जिला अध्यक्ष स्वप्निल भोंगाड़े, जिला सचिव चंचल सार्वे, जिला संगठन मंत्री राजेश धुर्वे, जिला उपाध्यक्ष इनके उपस्थिति में सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में तुमसर तहसील के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इस सभा में तुमसर नगरपालिका चुनाव के लिए संभावित 15 प्रत्याशी की सूची तैयार की गई और सक्रिय कार्यकर्ताओं की नियुक्ति पत्र दिया गया और मुख्य रूप से इस जिले में आम आदमी पार्टी का संगठन मजबूत करने का उद्देश्य मुख्य रूप से रखा गया है और तुमसर तहसील में युवाओं का इस पक्ष की ओर भरोसा बढ़ते हुए इस पार्टी से जुड़ते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी विदर्भ कमेटी सदस्य आज इथे तुमसरला तुमसर नगरपालिका इलेक्शन लढण्याची तयारी कार्यकर्त्यांनी कशा प्रकारे केली आहे त्याचा एक आढावा घेण्यासाठी इथे तुमसरला एक मीटिंग ठेवण्यात आली आणि या मीटिंगमध्ये सर्व कार्यकर्त्यांनी इथे तुमसरमध्ये आपण पूर्ण ताकदीनिशी नगरपालिका इलेक्शन लढायचं हे सर्व समितीने आम्ही डिसिजन घेतलेला आहे आणि त्याची कारवाई म्हणून आमच्या तुमसरमध्ये ह्या सहर समित्या, युवा समित्या ह्या गठीत झालेल्या आहेत, प्रभाग समित्या गठीत झालेल्या आहेत आणि पुढची जी स्टेप्स आहे आमची वार्ड समित्या ह्या येणाऱ्या 7 दिवसात गठीत होतील आणि त्याच्यानंतरच्या 7 दिवसात ह्या बूथ समित्या गठीत होतील। त्यामुळे आम आदमी पार्टी हे तुमसरचं इलेक्शन आपल्या पूर्ण ताकदीनुसार लढून दाखवेल आणि तुमसर मध्ये आम आदमी पार्टीचा अध्यक्ष बनवून दाखवेल हे आज या कार्यकर्त्यांनी एक प्रण घेतलेला आहे आणि त्यांना ह्या त्यांच्या प्रण मध्ये आम्ही सर्वांनी शुभेच्छा दिल्या आणि ते कळीव दाखवतील अशी आम्ही अपेक्षा ठेवलेली आहे। BCN न्यूज के लिए तुमसर से जितेंद्र पटले की रिपोर्ट।